हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और परीक्षा की दृष्टि से जो भी हमारा टॉपिक महत्वपूर्ण होता है उसको बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। साथ में रात में 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है जो कि हिंदी की है, तो अगर आप लेना चाहते हैं क्लास तो ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे सामान्य अध्ययन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी बच्चों ने लाइक किया है और उन्होंने बताया कि सर इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू बिल्कुल रखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे ज्योग्राफी के नोट्स नहीं प्राप्त किया है तो हमारे टेलीग्राम नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको SSC SSC CGL UPSC UPI UPTET CTET के सभी कोर्स GK GS हिंदी पर्यावरण अवेलेबल कराए गए हैं। साथ में अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएँ होती हैं तो पर्सनली हमसे वहाँ पर चैट भी कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है जो कि आज का हमारा टॉपिक है सामान्य अध्ययन से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के अंत में हम लोग जो हमारा पिछला वीडियो था तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने कौन सा कमेंट किया, अर्थात कैसा हमारा क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। सभी लोग इंतज़ार करते रहते हैं हमारे इस क्वेश्चन का जो कि हमारा आंसर होगा। देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है। तो ओडिसी नृत्यांगना कौन है, तो यहाँ पर है सोनल मानसिंह, जो हमारी ओडिसी नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है, गरबा एक नृत्य है, तो गरबा जो हमारा नृत्य है वो हमारे कहाँ का है, गुजरात का है, जो कि आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है जो कि आपका ए नंबर है, यक्षगान, जो हमारा कहाँ का है, कर्नाटक का नृत्य है और ये लोक या जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। तो ये हमारा कौन सा नहीं है, तो टप्पा जो है ये हमारा कर्नाटक से संबंधित नहीं है, लेकिन कृति और यहाँ पर थिल्लाना और श्लोकम ये हमारे तमिलनाडु संगीत से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो तबला वादक हमारे कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपका ए नंबर सही होगा, जो कि अल्लाह रखा है ये हमारे तबला वादक हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये हमारी हैं भरतनाट्यम की, जो कि हमारी भरतनाट्यम हमारे हैं और इसकी नृत्यांगना हमारी हैं पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो हमारे जो जाकिर हुसैन हैं ये हमारे तबला वादक हैं। अगला देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी हमारी कहाँ की है, ये हमारे आंध्र प्रदेश की शैली है, जो हमारा एक क्लासिकल अर्थात हमारा शास्त्रीय डांस के अंतर्गत आता है कुचिपुड़ी, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश का है। अगला हमारा दिया है यही क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है, तो वही हमारा क्वेश्चन भी आ गया डायरेक्ट लगातार, ये हमारा असम राज्य में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश बी नंबर होगा। अगला है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी हमारा जो प्रसिद्ध है ये हमारा है बिहार में। ठीक है, बिहार में जैसे कि होता है कि हमारा गोदना होता है, ये भी हमारा कहाँ होता है, यहीं पर होता है, और जो मेहंदी होती है ये हमारा कहाँ पर होता है, राजस्थान में। ऐसी हमारे होती हैं लोक कलाएँ, और जैसे चौक पूर्णा हो गया, ये सभी चीज़ें आप जानते होंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर सही कौन नहीं है, अमीर खुसरो सरोद वादक नहीं थे, लेकिन भीमसेन जोशी जो कि गायन है, उत्पल दत्त हमारे फिल्म हैं और शंभु महाराज हमारे कथक से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं, इकेबाना जिसका जापानी रूप है। तो इकेबाना जिसका हमारा किसका जापानी रूप है, तो इकेबाना हमारा है फूलों की सजावट का ही हमारा एक रूप है। इकेबाना हमारा जो रूप है वो जापानी रूप हमारा है, वो भी किसका, फूलों की सजावट का हमारा एक रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है। कौन सा हमारा तार बिना तार का होता है, यहाँ पर हमारा ट्रम्पेट जो हमारा है ये बिना तार का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, जो निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन है, तंत्री वाद्य कौन सा है। तो ये जो संतूर है ये हमारा तंत्री वाद्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं
की नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ से हुआ है? तो मोहिनी अट्टम जो हमारा है वो हमारे कहाँ से है? अट्टम मतलब केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो युद्ध में हमारा जो नृत्य जैसे होता है वो हमारा होता है जो कि आपका सी नंबर है, मयूर भंजक का छाऊ। मयूर भंजक का छाऊ ये हमारा युद्ध नृत्य संबंधी नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात हैं? तो शास्त्रीय संगीत में हमारे जो कि पंडित जसराज जी हैं ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक्य संगीत में हमारे सुविख्यात हैं। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी के हमारे क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है वो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो कि हमारा शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित होता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ये हमारा भुवनेश्वर में है, जो कि हमारा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनका कला रूपों का मेल मिलाइए। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका हाफ है। और ये हमारा क्वेश्चन अगला आ रहा है कि चंडीगढ़ का राक गार्डन किसका बना हुआ है? अर्थात किसका बनाया हुआ है हमारा राक गार्डन? तो ये नेकचंद ने बनाया था, जो कि चंडीगढ़ का राक गार्डन है। ठीक है, अगला है कि गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध हैं। गिरीश कर्नाड जो प्रसिद्ध हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, और ये एक सुविख्यात नाटककार और अभिनेता भी हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। वे फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अर्थात कि ये सभी हमारे क्षेत्रों में रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर होगा उपयुक्त सही। ठीक है सभी, अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार जो कि दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल के जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आपको बताना है कौन है। और ये दुर्गा पूजा जो होती है बहुत ही हमारी कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। अगला है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का हमारा जैन मंदिर है ये हमारा है डी नंबर, आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है? आबू पर्वत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 67, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? तो ये हमारा किया था माइकल एंजेलो ने, जो कि हमारा बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अभी आया था कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है, जो कि आपका बी नंबर सही होगा। ओंकारवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओंकारवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओंकारवाट मंदिर जो स्थित है ये हमारा कंबोडिया में है। और आपको बताना है कि ओंकारवाट जो मंदिर है ये किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से मंदिर के यहाँ पर कौन सी मूर्ति हमारे इस मंदिर पे है, ओंकारवाट मंदिर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? तो फ्रेंड्स सरोद में हमारे 19 तार होते हैं, जो कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के क्षेत्र में हमारे कौन है? राजा रवि वर्मा, जो कि डी नंबर सही है, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत जो कि यंत्र है वो संगीत यंत्र हमारा कौन सा है? तो वीणा है, जो सबसे प्राचीनतम माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? तो मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हमारे हैं राम किंकर। कौन है? राम किंकर, जो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य हमारा क्या है? तो वो हमारा है सत्यमेव जयते। कौन है? सत्यमेव जयते, आपका सी नंबर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, स्ट्रप टीज कलाकार कहाँ काम करते हैं? तो ये हमारे करते हैं कैबरे में। कहाँ पर करते हैं? कैबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? ये हमारा चित्रित है, जो कि आपका डी नंबर है, राजा रवि वर्मा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लोग देख लेते हैं, जो कि संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी कृति अर्थात एकाश्मी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में ये हमारी सही होगा, जो कि हमारा अगला बी नंबर होगा सही क्वेश्चन।
क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतक अर्थात्वाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो शास्त्रीय संगीतक के रूप में हमारे बी कृष्णमूर्ति जो शास्त्रीगल हैं, ये हमारे शास्त्रीय संगीत वाचक के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है। तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो हमारा शुरू है, ए नंबर आपका सही होगा, जो कि केरल राज्य हमारा सही होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको पॉइंट बताना है कि कथकली हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 86 नंबर है, तो 86 में आपको ये बताना है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है आपको कमेंट करके बताना है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। और अगर आपको पता है तो उसके बारे में बता देना कि कौन सा नंबर का हमारा बढ़ा है या घटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित हमारा है जो कि आपका डी नंबर है, सुइसिनी हमारा ये राजस्थान से संबंधित नृत्य। अगला है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, जो कि हमारा ए नंबर है गौरी, यह हमारा भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक से संबंधित है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो करगम हमारा कहाँ का है, बी नंबर होगा तमिलनाडु। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ पर स्थित है, तो हमारा सी नंबर होगा जो कि दिल्ली में ही स्थित है। अगला है कि तबला चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। तो तबल चोंगली ये हमारे किस राज्य से है, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि हमारे क्वेश्चन थे, और हम लोग देख लेते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो के हमारे कमेंट किया है, और इनको इंतज़ार रहता है अपने क्वेश्चन का कि क्या हमने सही जवाब दिया है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब था जो कि हमने क्वेश्चन किया था कटक कहाँ पर पड़ता है। तो कटक जो हमारा पड़ता है, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में, जो कि अरविंद कुमार और तरुण वर्मा, आकाश सिंह, राहुल कुमार और साथ में ही विवेक पाठक, इन्होंने सही जवाब बताया है। साथ में एक क्वेश्चन और था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको नोबेल प्राइज 1913 में, जो कि हमने क्वेश्चन पूछा था कब दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर सही जो जवाब बताया है तो हमारे राजेश कुमार हैं, राजकुमार सिंह भी हैं, प्रिया मिश्रा हैं, और प्रिया मिश्रा ने हमारे सभी क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कि 1917 से दिया जा रहा है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान जो कि कटक में उड़ीसा पड़ता है। गोवा को पुर्तगालियों से जो हमारा आज़ाद हुआ था, तो हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1961 को, और पुर्तगाली ही सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए थे और बाद में गए भी थे। यहाँ पर अनु पटेल ने सभी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे सभी वीडियो को नहीं देखा है तो सभी को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ज्योग्राफी से संबंधित हैं सभी हमने यहाँ पर करा दिया है, तो आप आसानी से सभी वीडियो देख सकते हैं। और आज हमारी जो लाइव क्लास थी, आप देख सकते हैं कि लाइव क्लास का हमारा रिजल्ट क्या रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 51 मिनट बात किया है आप लोगों से, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है आप लोगों को। और नए हमारे 48 दोस्त हमारे आ चुके हैं हमारे इस चैनल पर, जो कि आपकी लाइव क्लास के अकॉर्डिंग। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने आज शेयर भी किया है वीडियो, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।